नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र लेकर आया हूँ, विधि लेकर आया हूँ, जिससे आप अपने भलाई वो स्त्री हो, भलाए वो पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति को आप अपने वश में कर सकते हैं आसानी से। यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, बहुत ही अत्यंत खतरनाक प्रयोग है। इस प्रयोग से आप अपने किसी भी व्यक्ति को, अपने इच्छित व्यक्ति को वश में कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, ये हमको प्रयोग कैसे करना है मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दो पीपल के पत्ते चाहिए होंगे, इस तरह से, एक बड़ा और एक छोटा। उसके बाद में एक हमको चाहिए मोर पंख चाहिए होगी, और उसके बाद में थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर चाहिए होगा, इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है मित्रों, हमको इस पीपल के पत्ते के ऊपर उस इच्छित व्यक्ति का, जो आपका जो खोया हुआ प्यार है, वो इस टोटके से हासिल कर सकते हो। बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली विधि है। तो इस मोर पंख से इस पीपल के पत्ते के ऊपर नाम लिखना है। ये मोर पंख हर कहीं नहीं मिलती है, ये हम कहीं से भी ले सकते हैं, वैसे ये पड़ी हुई नीचे ही मिलती है। बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। तो इसको ऐसे करके इसके ऊपर नाम लिखना है उस व्यक्ति का, जिसको हम अपने वश में करना चाहते हो। सबसे पहले हमको क्या करना है, उस लड़की का नाम लिखना है जिसको हम अपने वश में करना चाहते हैं, भलाई वो लड़की हो, भलाई वो लड़का हो। तो मैं लिख रहा हूँ रीता। ये बहुत ही अत्यंत खतरनाक वशीकरण प्रयोग है, इससे आप अपने प्यार को आसानी से पा सकते हैं। रीता। उसके बाद में हमको प्लस का साइन डालना है। इसके बाद में हमको अपना नाम लिखना है। जैसे कि जैसे जैसे मैं बोल लिख रहा हूँ वैसे वैसे ही लिखना है। इस तरह से जैसे कि लिखा है रीता प्लस का साइन अभिषेक, ठीक है। इस तरह से हम इस दूसरे पत्ते के ऊपर भी क्या करना है, पहले उस जिसको वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखा था दूसरे पत्ते पर, अब हम ऊपर अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से अभिषेक, फिर हमको प्लस का साइन डालना है। फिर हमको नीचे उस लड़की का नाम लिख देना है, रीता, ठीक है। इस तरह से लिखना है। फिर हम ठीक पीछे क्या करना है, प्लस का स्वास्तिक लिखना है ठीक पीछे।
इस तरह से उस पत्ते के ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह लिखना है। इस तरीके से उसके बाद में क्या करना है मित्रों, इन दोनों पत्तों को इस तरह से रख देना है। रखने के बाद में क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में हमको इसके ऊपर सिंदूर डालना है। इस तरीके से मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर डालना है इस तरीके से। सिंदूर डालने के बाद में क्या करना है मित्रों, हमको एक वाइट पेज लेना होगा, एकदम उस पे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, और उसके ऊपर हम एक मंत्र लिखेंगे और वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र हमको लिखना है इस तरह से, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे मित्रों आपको लिखना है। ओम नमो महायक्षिणी मम पति, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम कुरु स्वाहा, ये मंत्र आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में ये मंत्र लिखने के बाद में इस मंत्र को इस तरह से रख देना है। रखने के बाद में मित्रों क्या करना है, इन दोनों पत्तों को जैसे कि ये रीता है अभिषेक के नाम के ऊपर इस तरह से रख देना है, इस तरह से। ऐसे भी रख सकते हो और आप इस तरह से भी रख सकते हो, इस तरह से, ठीक है, जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो इस तरह से रख सकते हो। इस तरीके से रखने के बाद में इनको हमको मोड़ना है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो ये मंत्र है, ये मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके बाद में इस मंत्र को फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और इस मंत्र को आप इस पीपल के पत्ते के नाम के बीच पर रख देना है और इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि कोई भी बहते हुए पानी या तालाब के अंदर छोड़ देना है। छोड़ते समय उस व्यक्ति का अपनी आँखों में फोटो, उसका चेहरा याद रहना होना चाहिए। उसके बाद में मात्र 4 घंटे के अंदर वो व्यक्ति आप अपने वश में हो जाएगा, आपके पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। ये आपको इतना ही करना है और घर लौटते समय वापस मुड़कर वापस नहीं देखना है। जय माता दी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।